नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 10 बेस्ट हैकिंग मूवीज़ ऑफ ऑल टाइम। दोस्तों, हॉलीवुड में भी हैकिंग मूवीज़ बहुत कम ही अवेलेबल हैं और आप सब लोग चाहते हैं कि उन रेयर मूवीज़ में से भी बेस्ट टेक्नो थ्रिलर फिल्म्स आपको मिल पाएँ, तो आज आपको आपकी बेस्ट चॉइस मिल जाएगी हर बार की तरह द चॉइस बॉक्स पर। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं बहुत ही रेयर और बेस्ट हैकिंग मूवीज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, इस वीडियो की लिस्ट, सिनेमा न्यूज़, फैक्ट्स और अपडेट्स के लिए हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 पर है आईटी। 2016 में आई ये फिल्म एक थ्रिलर फिल्म है जिसकी स्टोरी इंटरेस्टिंग टर्न लेती है हैकिंग की वजह से। फिल्म में हम देखते हैं कि एक रिच और सक्सेसफुल कंपनी ओनर माइक के पास सब कुछ है, ब्यूटीफुल फैमिली है, टॉप ऑफ द लाइन स्मार्ट हाउस है और एक लीडिंग कंपनी है। अब अचानक एक दिन उसकी कंपनी के आईटी एडवाइज़र के साथ माइक के रिलेशंस थोड़े ख़राब हो जाते हैं और यहाँ से उसकी लाइफ एक बैड टर्न लेती है जब उसकी स्मार्ट फैसिलिटीज़ और टेक्नोलॉजीज़ को उसके अगेंस्ट ही यूज़ किया जाता है। दोस्तों, ये फिल्म स्पेशल बनती है इसके थ्रिलिंग मोमेंट्स और जेम्स बॉन्ड फेम एक्टर पियर्स ब्रॉसनन की सुपर परफॉर्मेंस की वजह से। ये इंटरेस्टिंग फिल्म किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर आपको अभी नहीं मिलेगी, आप अनऑफिशियली इसे इंग्लिश में देख सकते हैं, डिटेल्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। Polished man with a successful business and the perfect family. You're not the master of the universe, Mike. We'll see how tough you are when your little planes start falling out of the sky. Number 9 par hai The Fifth Estate. ये एक बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है जो न्यूज़ लीकिंग वेबसाइट विकीलीक्स पर सेंटर्ड है। फिल्म हमें दिखाती है कि विकीलीक्स वर्ल्ड की मोस्ट डेंजरस वेबसाइट कैसे बनी, इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसके फाउंडर्स कौन थे। ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड इस ड्रामेटिक थ्रिलर फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर्स को फॉलो करती है जो इंटरनेट की पावर को यूटिलाइज करके करप्शंस और कुछ सेंसिटिव सीक्रेट्स से पर्दा हटाना चाहते हैं ताकि कुछ बड़ी फर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन और कुछ लोगों की डार्क साइड्स पब्लिक के सामने आ सके। दोस्तों, ये फिल्म भी सिर्फ अनऑफिशियली ही आप देख पाएंगे क्योंकि किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर ये अभी अवेलेबल नहीं है। नंबर 8 पर है द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। 2011 में आई ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो 2005 की नॉवल द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू पर बेस्ड है। इस फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी लीड कैरेक्टर्स मिकेल और लिजबेथ को फॉलो करती है। मिकेल एक जर्नलिस्ट है जो अपनी एक मिस्टेक की वजह से अपना सब कुछ खो चुका है। अब उसे एक वेल्दी फैमिली की 40 साल पुरानी मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने का ऑफर मिलता है और इस केस में वो हैकर लिजबेथ की हेल्प लेता है। दोस्तों, फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी, एक्सीलेंट बैकग्राउंड म्यूजिक और लीड कैरेक्टर्स की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देगी। ये फिल्म किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसे iTunes या Google Play Store से रेंट या बाय कर सकते हैं या फिर सोनी पिक्चर्स की ऑफिशियल साइट से आप इसे बाय कर सकते हैं। ये फिल्म हिंदी में अवेलेबल है। I need your help. You come stay on the island. A way of avoiding all those people you might want to avoid right now. नंबर 7 पर है द नेट। 1995 में आई ये एक मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो एक अमेजिंग स्टोरी हमें दिखाती है। दोस्तों, ये 90s की मूवी है तो विजुअल्स आपको थोड़े अनअट्रैक्टिव और ओल्ड लगेंगे, लेकिन फिल्म की थ्रिलिंग स्टोरी आपको बहुत अट्रैक्ट करेगी। ये फिल्म हमें लीड कैरेक्टर की स्टोरी दिखाती है जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है और वो अपनी नॉर्मल सिंपल लाइफ जी रही है। अब उसकी सिंपल लाइफ में डार्क टर्न आता है जब वो कुछ गवर्नमेंट सीक्रेट फाइल्स को हैक करती है और अब एक अननोन एनिमी उसकी मुश्किलें बढ़ा देता है जिससे कि लीड कैरेक्टर को सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ता है। दोस्तों, इस फिल्म में इंटरेस्टिंग हैकिंग पार्ट्स के साथ बहुत से अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हैं जो एंड तक आपको बांधे रखेंगे। ये फिल्म भी OTTs पर अवेलेबल नहीं है तो अनऑफिशियली आप इसे इंग्लिश में देख सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से इसे रेंट या बाय करके देख सकते हैं। नंबर 6 पर है वॉर गेम्स। 1983 में आई ये फिल्म एक कोल्ड वॉर साईफाई फिल्म है जिसकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। 1983 के टाइम में भी इस फिल्म में एक हाई टेक थ्रिलिंग कंसेप्ट व्यूअर्स के सामने रखा गया था। इस फिल्म की इंटरेस्टिंग स्टोरी एक यंग हैकर को फॉलो करती है जो एक गेम के लिए अनविलिंगली US मिलिट्री के सुपर कंप्यूटर को एक्सेस कर लेता है। ये सुपर कंप्यूटर न्यूक्लियर वॉर के आउटकम्स को प्रेडिक्ट करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और अब ये कंप्यूटर रियलिटी और सिमुलेशन को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है जिससे कि वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने की सिचुएशन आ जाती है और यंग हैकर का एक वॉर गेम रियल गेम में बदल जाता है। दोस्तों, ये फिल्म आज के टाइम को देखते हुए थोड़ी पुरानी ज़रूर है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको ज़रूर देखनी चाहिए। ये फिल्म OTTs पर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली आप इसे देख सकते हैं इंग्लिश में, डिटेल्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगी। नंबर 5 पर है स्नीकर्स। 1992 में आई ये फिल्म एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी कैपर फिल्म है, या कह सकते हो कि कॉमेडी क्राइम ड्रामा फिल्म है जो हैकिंग के साथ ही बहुत से फनी और कॉमिक मोमेंट्स भी आपको दिखाएगी।
फिल्म की स्टोरी फॉलो करती है मार्टिन को, जो एक एक्सपर्ट ग्रुप का हेड है और ये ग्रुप सिक्योरिटी सिस्टम की टेस्टिंग में एक्सपर्ट है। एक सो कॉल्ड गवर्नमेंट एजेंट मार्टिन को एक टॉप सीक्रेट बॉक्स चुराने के लिए ब्लैकमेल करता है, जिससे कि मार्टिन और उसके एक्सपर्ट ग्रुप की मुश्किलें बढ़ जाती है। अब उस ब्लैक बॉक्स और गवर्नमेंट एजेंट के सीक्रेट्स जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। दोस्तों, ये फिल्म स्पेशल बनती है इसकी स्टार कास्ट के अमेजिंग परफॉर्मेंस से, और सीरियस मोमेंट्स में भी ह्यूमरस डायलॉग्स और सीन्स इस फिल्म को अमेजिंग, फनी और फुल्ली एंटरटेनिंग बना देते हैं। ये कॉमेडी फिल्म किसी भी OTT प्लेटफॉर्म पर अभी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ अनऑफिशियली ही कुछ सोर्सेज पर ये अवेलेबल है इंग्लिश में। You guys have a decision to make. The penetration is live, the target is unaware. नंबर 4 पर है अनफ्रेंडेड डार्क वेब। ये हॉरर थ्रिलर फिल्म एक कंप्यूटर स्क्रीन फिल्म है, यानी पूरी फिल्म आपको कंप्यूटर और स्मार्टफोन स्क्रीन्स के थ्रू दिखाई जाएगी। दोस्तों, इस फिल्म की स्टोरी, थीम और इसका यूनिक कंसेप्ट बहुत ही अमेजिंग है। इस मूवी की यूनिक थीम की वजह से आप इसे 2016 के नेगेटिवली पॉपुलर गेम ब्लू व्हेल से कनेक्ट कर पाओगे। फिल्म की स्टोरी फ्रेंड्स के एक ग्रुप को फॉलो करती है, जिन्हें एक लैपटॉप मिलता है जो डार्क वेब से कनेक्टेड है। स्टोरी में हॉरिफिक टर्न तब आता है जब उस लैपटॉप का ओनर, जो एक साइबर क्रिमिनल हैकर है, वो उसे वापस पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दोस्तों, ये अमेजिंग हॉरर फिल्म एक भी स्पॉइलर लिए बिना आपको देखनी चाहिए। हॉरर और डार्क फिल्म्स अगर आपको पसंद है तो ये फिल्म परफेक्ट चॉइस है आपके लिए। ये फिल्म 2014 की फिल्म अनफ्रेंडेड का सीक्वल है, तो आपको अनफ्रेंडेड फिल्म भी जरूर देखनी चाहिए। अनफ्रेंडेड डार्क वेब मूवी आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में एंजॉय कर सकते हैं। Dude, this is dark web. What's dark web? Part of the internet where no one can track you. It's all about drugs, illegal IDs, even assassination for hire. नंबर 3 पर है स्नोडन। ये 2016 की एक बायोग्राफिकल थ्रिलर फिल्म है, जो द स्नोडन फाइल्स टाइटल वाली बुक्स पर बेस्ड है। ये फिल्म हमें हैकर एडवर्ड स्नोडन की स्टोरी दिखाती है, जिसने नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी से हाईली क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन को लीक कर दिया था। दोस्तों, ये फिल्म आपको दिखाएगी कि कैसे टेलीकॉम कंपनी और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट यूजर्स की प्राइवेसी को नज़रअंदाज करते हैं और यूज़र एक्सपीरियंस एनहेंसमेंट के बहाने 24 आवर्स यूज़र पर नज़र रखते हैं। फिल्म में दिखाया गया है कि स्नोडन कैसे NSA को एक्सपोज करता है, कैसे वो यूज़र्स के सेंसिटिव डेटा पर नज़र रखने वाली फर्म की सच्चाई लोगों के सामने लाता है। फिल्म में एडवर्ड स्नोडन का रोल एक्सीलेंट एक्टर जोसेफ गॉर्डन लेविट ने प्ले किया, और इस रोल में वो परफेक्टली सूट हुए। उनकी परफॉर्मेंस ने और इस फिल्म की एक्सीलेंट डायरेक्शन ने इस फिल्म को एक्सीलेंट बनाया है। दोस्तों, ये अमेजिंग फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों, अगर आप एडवर्ड स्नोडन और NSA इंसिडेंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपको 2014 की डॉक्यूमेंट्री फिल्म सिटीजन 4 भी जरूर देखनी चाहिए। ये फिल्म भी सिर्फ अनऑफिशियली ही आपको देखने को मिल पाएगी। The average test time is 5 hours. Dunsir, it's been 40 minutes. 38 minutes? What should I do now? Whatever you want. Number 2 par hai, Hacker. 2016 की ये फिल्म थिएट्रिकली अनोनिमस टाइटल के साथ रिलीज हुई थी, लेकिन अब इसे हैकर नाम से भी जाना जाता है। ये एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, जो बड़ी स्टार कास्ट के बिना भी एक मास्टरपीस फिल्म बन गई। मूवी की फास्ट हैकिंग स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट और बैकग्राउंड स्कोर आपके एंटरटेनमेंट को कई गुना बढ़ा देंगे। ये फिल्म लूजली ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, और क्रिएटर्स ने ट्रू इवेंट्स को फिक्शनल टच के साथ परफेक्टली प्रेजेंट किया है। फिल्म की स्टोरी शुरू होती है एक हैकर से, जो अपनी ज़रूरतों की वजह से साइबर क्रिमिनल ग्रुप ज्वाइन करता है। ये ग्रुप ऑनलाइन हैकिंग अटैक्स करता है और करप्ट बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम को ख़त्म करके मिलियन ऑफ डॉलर्स चुराने की कोशिश करता है। दोस्तों, फिल्म के कैरेक्टर्स और थ्रिलिंग स्टोरी आपको बहुत अट्रैक्ट करेंगे और आप पूरा खो जाओगे फिल्म में। यह आज तक बनी सबसे बेस्ट हैकिंग फिल्म्स में से एक है। दोस्तों, ये फिल्म आपको ऑफिशियली तो कहीं भी नहीं मिल पाएगी, लेकिन अनऑफिशियली हिंदी में आप इसे देख सकते हैं। डिटेल्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगी। We are Dark Web. You will not stop us. This is just the beginning. It all started with a small immigrant family. That's me, Alex Daniluk. This cost is $15,000. And I sell for $10,000. Number 1 par hai, Who Am I? 2014 की ये जर्मन फिल्म एक टेक्नो थ्रिलर फिल्म है, जो बर्लिन के एक ऐसे कंप्यूटर हैकर ग्रुप पर सेंटर्ड है, जिसे ग्लोबली बहुत फेम मिली थी। इस फिल्म की स्टोरी लाइन और इसके कुछ एलिमेंट्स की वजह से इसे फाइट क्लब फिल्म और मिस्टर रोबोट TV सीरीज से भी कंपेयर किया जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है, जो अपनी एक अलग स्टोरी, कैरेक्टर्स और थीम व्यूअर्स के सामने रखती है। फिल्म की स्टोरी लीड कैरेक्टर को फॉलो करती है, जो इंट्रोवर्ट है, सोशली उतना एक्टिव नहीं है, और वो अपना ज़्यादातर टाइम कंप्यूटर और इंटरनेट पर बिताता है। अब एक दिन इस यंग कंप्यूटर विज को एक सबवर्सिव हैकर ग्रुप को ज्वाइन करने का इनविटेशन मिलता है, जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर होना चाहते हैं। अब वो ये ग्रुप ज्वाइन कर लेता है, और इसके बाद जो होता है वही फिल्म का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, जो फिल्म देखकर आपको फील करना है। दोस्तों, ये अमेजिंग फिल्म सिर्फ अनऑफिशियली ही हिंदी में अवेलेबल है। डिटेल्स के लिए पिंड कमेंट आप चेक कीजिएगा।
तो दोस्तों ये था हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो हैकिंग मूवीज़ के बारे में। वीडियो कैसा लगा आपको, क्या कुछ मैंने मिस किया, ये सब कुछ आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये फिल्म्स आपको देखने को नहीं मिल पाती हैं तो आप कमेंट्स में मुझे पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन प्लीज़ रीज़न ज़रूर बताइए। बेस्ट मूवी और टीवी शोज़ की लिस्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करके सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।